अस्सलामुअलैकुम मेरे नए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नया व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी बस सुबह सुबह ही उठ के 9:30 बजे 8:30 बजे उठे थे और जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि मेरा वीज़ा जो है वो चला गया, मतलब चला नहीं गया, अभी भी थोड़ा टाइम है, तो इसलिए अभी वीज़ा अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो मैंने यहाँ पे बैग वैग अपना सेट कर दिया है और बाकी जो मेरे फाइल्स वगैरह हैं वो इमोन के बैग में जाएंगे। जल्दी से बस नाश्ता वाश्ता करके निकल जाएंगे और मैगी को भी हेलो बोल दे। हेलो मैगी, हाय गाइस, हाय मॉम। चलो नाश्ता वाश्ता कर ले, अंडा ब्रेड और ये रही मेरी चाय। तुम तो चाय नहीं पी रहे ना, जल्दी से खा पी के चले। अभी पता है मैगी का ये वाला ना अच्छा दिया है, यहाँ पे जो दरवाज़ा लगाया था ना, क्योंकि मैगी अभी सीख गई है कि जब तक परमिशन नहीं होगी ना नीचे नहीं आएगी, तो वो इधर वेट करती है हमेशा। गुड मैगी, इंटेलिजेंट है बहुत, देखो इधर ही बैठी है, नीचे नहीं जा रही। चलो अपा भी आए ना। इमान इतनी रश है, बहुत रश, इतने लोग भी खड़े हुए, ये सारे काम के लिए आए ना। बिना वीजा का काम जो है वो थोड़ा हुआ है, पेपर वगैरह सबमिट हुए हैं और यहाँ पे भी हमें सब्सक्राइबर मिल गए, कश्मीर का इंडिया। हाँ इसी ऑफिस में। चलो अभी क्या हमें ना 2-3 घंटे वेट करना है, तो कहाँ जाए, रेस्टोरेंट वगैरह जाए ना। चलो लेट्स, यहाँ से हम ना चिकन बिरयानी खरीद रहे हैं, फिर ऊपर बैठ के खाएंगे जब तक हमारा टाइम है पासपोर्ट का। ड्रिंक भी लोगे मेरे लिए? चलो ड्रिंक भी आएगा। आसपास कोई नहीं है ना, इसलिए थोड़ी देर के लिए उधर बात करने के लिए, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। तो हम जिस जगह पे बैठे हैं ना, इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर वालों ने बोला कि आप लोग ऊपर जाके बैठ सकते हो, तो हमने खाना खा लिया, अभी इधर थोड़ी देर बैठे हैं, फिर वीज़ा ऑफिस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश है, तो इसलिए वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है इस टाइम। कोरोना भी है, बहुत डर लगता है यार। और इस टाइम ना अभी इधर बैठे हैं, अब्बा जाग रहे हैं, अब्बा ने अब्बा खाना अच्छा था, बहुत अच्छा हुआ है, खाना बहुत अच्छा हुआ। एंड द एनवायरनमेंट हियर इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, वी आर इन ए वेरी नाइस नॉन पोल्यूटेड इन द लाइब्रेरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, LGD लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बांग्लादेश के ना, उनका है ये लाइब्रेरी। इधर इतने लोग भी नहीं है, तो हम आराम से बैठे हैं चुप करके। ये सारे बुक्स वगैरह हैं इधर, फिर उस साइड भी पूरे बुक्स हैं, और ये पूरा वो बना हुआ है 3D बिल्डिंग्स का ना, ऐसा दिखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर ये एक बना हुआ है सिविल इंजीनियर का ऑफिस है, गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर, ओ सिविल इंजीनियरिंग की ऑफिस है। हाँ बहुत क्लीन है, खाना भी बहुत अच्छा था, स्पाइसी भी नहीं था बिल्कुल भी, परफेक्ट हमारे लिए। इमोन अब्बा का मास्क सही कर रहे हैं, सब बोलते हैं इमोन अच्छा बेटा है, हाँ अब्बा का ख्याल रखता है। स्ट्रॉन्ग गुंदूस भी है, स्ट्रॉन्ग लेके आएगा फिर मुझे भी हो जाए ना। हाँ ना अब्बा सबको, 3 भाई बहन है ना, इमोन राणा भाई और रेमापू, अब्बा सबको गुंदूस बोलते हैं ना। इमोन का बैग इतना हेवी है, क्या है बैग में, लैपटॉप भी लेके आए ना। चलो अभी जाएं फिर से देखने हमारे काम हुआ कि नहीं हुआ। आज तो पासपोर्ट का काम नहीं होगा, लेकिन स्लिप वगैरह मिलेगी, फिर शायद 10-15 दिन बाद आना पड़े, तो लेट्स सी। चलो डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं हम घर। और ये आ गए इमोन के दोस्त, एक वो रहा काला, उसको बोला ना वो काला कुत्ता, कुकड़, ब्यूटीफुल, हाँ ये देखो लंबा लंबा। यहाँ पे कार पार्किंग की अच्छी जगह है, नेक्स्ट टाइम हमारी गाड़ी लेके आएंगे, हमें लगा था कार पार्किंग नहीं होगी, इसलिए उबर में आ गए।
इतनी गाड़ियाँ हैं आसपास, ऊबर मिल ही नहीं रही कहाँ है ये, मिल ही नहीं रही थी यार इतना ढूंढा। चल अब आराम से नीचे मट्टी संभल के पापा को बैठा, आराम से भाई अपना मास्क पहनो, मास्क नहीं मास्क पहने भाई मास्क। चलो पाँव में मिट्टी चली गई। फाइनली हम घर जा रहे हैं, 6 घंटे बाहर थे उसमें से 2 घंटे 1 घंटा तो लगा था ट्रैवल में और 2 घंटे हमने रेस्ट किया, बाकी 3 घंटे इधर उधर। अभी 3 बजे 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, अभी तक वीडियो एडिटिंग भी नहीं की। हाँ ना, मैं ऊपर से मैं इसको भी बहुत बीमार है और इसको भी बहुत दो दिन से कुछ नहीं खाया, वो तो कल बताया था, आज जाके देखते हैं इसको भी क्या क्या हाल है वाले, और वीडियो एडिटिंग भी करेंगे आज। शायद वीडियो लेट भी हो सकती है अपलोड में, पता नहीं तो देखते हैं। ये मेट्रो रेल का रास्ता कब बनेगा पता नहीं, हम वेट कर रहे हैं। इस साल शुरू होगा कि मतलब शुरू ही चल जाएगा, ट्रेन चलना शुरू होगा इस साल। जल्दी चले यार, ट्रायल चल रहा है, टेस्टिंग हमारे लिए नहीं है। अच्छा टेस्टिंग शुरू हो गया है, फिर इस साल ही मतलब फिर चल ही जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो पूरा रास्ता ऊपर देखो, कोरिया कोरिया फीलर है ना। हां एक कोरिया कोरिया लग रहा है। गंगड़ी और वेदे छोंगयांगरी दलगोजी गंगनाम। तो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद 2-3 घंटा वेट किया हमने, फिर हम स्लिप लेने जब गए ना तो एक कश्मीर की एक लड़की थी जो कि बहुत सारे स्लिप्स थे उसके हाथ में, वो शायद अपना ढूंढ रही थी और पता नहीं कैसे मैं और इमन जैसे ही उधर गए तो उसने ना हमें दे दिया ऐसे पेपर हमारा स्लिप, तो मतलब वो शायद हमें जानती थी इसलिए वो अपना शायद ढूंढ रही थी और मेरा नाम था उधर तो पहचान गई है ना। हम बहुत हैरान हो गए कि किस, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर आप जाओ तो खुद अपना स्लिप जाके ढूंढो, नाम पढ़ के लेना, कोई देता नहीं है। तो वो मतलब वो लड़की स्टूडेंट ही होगी इधर, तो वो अपना ऐसे ढूंढ रही थी और हमारा पहले से ही पकड़ के रखा था, आए तो दे दिया, इतनी खुशी हुई कैसे यार ढूंढना नहीं पड़ा मैंने एक्सपेक्ट। और जो दूसरे सब्सक्राइबर्स मिले थे वो भी कश्मीर की लड़कियाँ ही थी, स्टूडेंट्स है जो बांग्लादेश में, तो बड़ी बात है मतलब सब ही देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। चलो घर आ गया, मैं कितनी एक्साइटेड, किस खुशी में है, किस खुशी में। चलो चाय पिए, सर में दर्द हो गया यार। और बस ये जो है ना वीज़ा लगाने के लिए आज गई और ना मेरा बस वीज़ा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, कुछ टाइम है अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जल्दी से बस लग जाए तो अच्छा होगा। तो चलो चाय वाय पी लें, अल्लाह आसानी करे हर काम में, लेट्स गो। हम लोग आए पासपोर्ट ऑफिस से, उसके बाद अभी बज गए 4 लंच चाय वाय पीने के बाद, फिर मैं शुरू कर दिया एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। और शादिया का तो पता ही नहीं, वो कान में हेडफोन लगा क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा था एडिटिंग में, तो उसने कान में कुछ ब्लूटूथ डाला है टीवी के साथ कनेक्ट करके। क्या देख रहे हो हा? क्या देख रहे हो, ये कौन है, ये वो है ना बिग बॉस वाली, बिग बॉस में आई थी ना दीपिका का जीता जो था यार, ये ब्लूटूथ तो बहुत मजा आ रहा है मुझे, मतलब वो होता है सुकून मिल रहा है देख के। हाँ? मुझे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और मैं अभी जा रही हूँ नहाने, लेकिन वीडियो जो है ना वो अभी तक एडिट नहीं हुई क्योंकि घर पे नीचे आए हुए हैं लोग रेंट के लिए, तो इमो नीचे गया हुआ है डील करने और अभी टाइम हुआ है 5-6 बजे वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं जल्दी से नहा के आऊँ और फिर आके एडिट करती हूँ। हो सकता है आज टाइम पे वीडियो ना आए तो बस क्या करेगा, क्योंकि वैसे बिजी डे हो जाता है, तो जल्दी से मैं आती हूँ एडिट करने यार। काम के लिए नीचे गया था, मैंने सादिया को बोला था कि एडिटिंग वो बाकी 30% रह गया था एडिटिंग कर ले, लेकिन वो शायद नहा के फिर आना था, लेकिन मैं आ गया अभी, मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ एडिटिंग यार। मैं अभी आ गई और चेक कर रही हूँ कि वीडियो इन्होंने रेंडर की कि नहीं की, और पूरी एडिटिंग करके रेंडरिंग करके रख दी है लेकिन अपलोड पे नहीं रखी, और आधा घंटा है 5:30 हुए हैं तो मुझे पूरा आधा घंटा लगा बाथरूम में, क्योंकि आज मैं पूरा बाथरूम चमका के धो के आई हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो अभी वीडियो बस मैंने अपलोड पे रख दी है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 6 बजे तक अपलोड हो जाएगी। So
इसको भी की हालत बहुत ख़राब है, वो कुछ भी नहीं खा रहा, तो इसको इसलिए ना डॉक्टर ने तो बोला था उसको सेलाइन पिलाने के लिए पानी वाला, वो तो पिलाया लेकिन खाएगा क्या, तो इसलिए ना एंटीबायोटिक्स का राइस सेलाइन होता है ये, तो उसके लिए अच्छा ही होगा पेट के लिए भी, और एटलीस्ट कुछ तो खाएगा। देखिए ट्राई करेंगे, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा अगर नहीं खाया तो। मैं इसमें लेके जा रही हूँ बोतल में डाल के, मैं इमोन रना भाई माँ चार लोग उसको ट्राई किया पकड़ने का, बिल्कुल हाथ में नहीं आ रहा था, कुछ खाना ही नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा बहुत खिला पाए। राइस से लाइन है तो पेट में थोड़ा जाएगा और बाकी रख के आए, अगर कल तक नहीं खाया तो डॉक्टर से लेके जाऊंगा। कल डॉक्टर उसे आईवी लगा के खिलाऊंगा, डॉक्टर किसी हिसाब से खिलाएगा, हम नहीं कर पा रहे हैं, मुंह ही नहीं खुल सकती है, बिल्कुल चार लोग पकड़ रहे हैं मुंह ही नहीं खुल पा रहे, तो अभी बस इंशाल्लाह कल करेंगे। चलो तो गाइस आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलते हैं कल। अभी हमने देखा था ये काली काली आंखें, जो कि स्टार्टिंग तो अच्छी थी, एंडिंग बकवास, एंडिंग ऐसा पका दिया था, ऐसा पका दिया सीरीज में। ये नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, स्टार्टिंग में बहुत मजा आया, लास्ट वाला और अभी सीजन टू भी आएगा, सीजन टू मजा नहीं है, ये तो देखूंगा नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। और बस अभी हम सो जाएंगे और स्कूबी की हालत अभी तक खराब है, बहुत टेंशन में बहुत हम सब, और कल तो उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना है और खाना बिल्कुल नहीं खा रहा, तो डॉक्टर ही उसको कुछ करेगा, डॉक्टर ने बोला था आप लेके आना अगर एक दो दिन देखो ना खाए, दवाई तो खिला रहे हैं पानी भी पी रहा है लेकिन खाना नहीं खा रहा। तो बस आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इसको भी के लिए दुआएं करना और सी यू टुमारो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, खुदा हाफिज़, बाय बाय। इमान की तरफ से भी बाय, बाय बाय, और मैगी की तरफ से भी बाय, इसको भी की तरफ से भी बाय।